हेलो एवरीवन, सो आज हम बनाने जा रहे हैं एक फ्रेंच डेजर्ट विच इज़ रियली टेस्टी, द क्रिस्पी क्रीम पफ्स, जो ऊपर से होते हैं एकदम क्रंची और अंदर से एकदम क्रीमी। सो सबसे पहले उस क्रंची टॉप के लिए हमें बनाना होगा एक बिस्किट, जिसके लिए हमने लिया है 100 ग्राम्स ऑफ बटर, 1 कप ऑफ शुगर, और दोनों को अच्छे से मिला लेना है। एकदम क्रीमी टेक्स्चर जब आ जाएगा तब हम उसमें डालेंगे अपना मैदा। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं मैदा और इसको एक डो की तरह बना लेंगे। डो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा बिकॉज इसमें इतना ज़्यादा बटर है और शुगर है, और उसी की वजह से जो हमारा बिस्किट है इट विल बी सुपर क्रंची। सो जब डो तैयार हो जाएगा उसको हम एक बटर पेपर पे डालेंगे और उसको कवर करेंगे एक दूसरे बटर पेपर से, जिससे कि हम उसको बहुत अच्छे से पतला बेल सकें। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है, यू कैन टेक सिंपल प्लेन पेपर, उस पर आप बटर लगा लो एंड यू कैन यूज़ इट एज बटर पेपर, बट यू हैव टू बी जनरस विद द अमाउंट ऑफ बटर। तो उसको अच्छे से प्रेस कर लिया है डो को, ऊपर से बटर पेपर लगाया है और बहुत ही ध्यान से इसको बेलना है, वेरी जेंटली, बिकॉज द डो इज़ वेरी सॉफ्ट, इट कैन क्रैक। जब इसको बेल लेंगे तो हमें इतना पतला चाहिए, जस्ट लुक केयरफुली, ओके। और इसको फ्रीज़र में रख देना है फॉर अराउंड 20 to 30 minutes, और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो यू कैन कीप इट इन द रेफ्रिजरेटर। नाउ एक पैन में हमने लिया है 1 cup ऑफ वाटर, 1/2 cup ऑफ मिल्क एंड 80 grams ऑफ बटर। बटर को अच्छे से मेल्ट होने देना है और जब ये पूरा जो मिक्सचर है बॉयल होने वाला होगा, हम गैस को करेंगे बंद और इसमें डालेंगे 1.5 cup मैदा और करेंगे इसको अच्छे से मिक्स। मैदा डालने के बाद जब मिक्स कर रहे होंगे और एक बारी थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा तो हम गैस को दोबारा से ऑन करेंगे और इसको तब तक भूनेंगे जब तक कि एक पतली सी फिल्म, एक पतली सी लेयर हमारे पैन के बॉटम पे नहीं आ जाती। जैसे ही वो फिल्म आती है पता चल जाएगा कि ये अच्छे से पक चुका है, एंड उसको आने में सिर्फ 1 से 2 मिनट लगेगा, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। सी, इट शुड लुक लाइक दिस। और जैसे ये हो जाता है, इस पूरे मिक्सचर को हम निकाल लेंगे एक बोल में और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे फॉर अराउंड 30 मिनट्स। बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है, 20 to 30 मिनट्स में हो जाएगा। अभी मुझे 25 मिनट लगा इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आने के लिए, फिर उसके बाद अभी मेरे को इसमें 5 eggs ऐड करने हैं। और हाँ, पांचों के पांचों अंडे एक साथ नहीं डालने हैं, एग्स को एक एक करके डालना है। पहले एक एग डाला, फिर उसको मिक्स किया, फिर अगला एग डाला, फिर मिक्स किया, और थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा मिक्स करना, बट इट विल बी फाइन। जब आप पांचों एग्स डाल के मिक्स कर लोगे तो टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा क्रीमी आएगा। सी, इट शुड लुक समथिंग लाइक दिस। और अगर आपका जो बैटर बना है वो थोड़ा सा रनी है, देन ऑल्सो इट इज़ फाइन, आपके शू बंस परफेक्टली अच्छे बनेंगे। अब जो हमने कुकी का डो रोल करके फ्रीज़र में रखा था वो तैयार हो चुका है, एकदम स्टिफ हो गया है। उसको कुकी कटर से काट लेंगे और एक बेकिंग ट्रे लेंगे जिस पे हम अपना जो हमारा शू बंस का हमने बैटर बनाया था उसको पाइप कर लेंगे। ये बहुत ही आराम से निकलेंगे बिकॉज ये फ्रीज़र में थे तो अच्छे से सेट हो चुके हैं। शू बंस का बैटर मैंने अच्छे से पाइप कर लिया है और उसके ऊपर हम इनको जेंटली प्रेस कर देंगे। जो हमने अपना ये बिस्किट बनाया है उसको इस पे लगा देंगे, स्टिक कर देंगे अच्छे से और प्रेस कर देंगे, और फिर इसको डालेंगे अवन में 180 डिग्री सेल्सियस फॉर अराउंड 25 to 30 मिनट्स, और ये कुछ लगेंगे ऐसे, ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से होंगे हॉलो। इसको आप फिल कर सकते हैं अपनी फेवरेट फिलिंग के साथ। मैंने यहाँ पे ऐड किया है वनीला एंड पाइनएप्पल क्रीम, व्हिपिंग क्रीम लिया है दोनों फ्लेवर्स का और दोनों ऐड किए हैं। सी, इट लुक्स रियली गुड। आप इसको ज़रूर बना के देखिए, ये बहुत ही टेस्टी लगेंगे, और आप इसको स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में और ठंडे होके ये और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ऐसी ही और टेस्टी रेसिपी के लिए सब्सक्राइब।